पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बायस हद निगाह कम, मोटरवे और कौमी शहरों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। M5 सखर से मुल्तान और M4 फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे हुकाम की शहरियों को ड्राइविंग में एहतियात और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। आलूदा शहरों में लाहौर का 6ठा और कराची का 9वां नंबर। फजाई आलूदगी में कमी। आठ फरवरी के इंतखाबात के लिए जारी शेड्यूल पर आज से अमल दरामद का आगाज। कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान आज पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान विफाक की वज़रा को हटाने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समात आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, निगरान वजीर फवाद हसन फवाद, मुशीर अहद चीमा को नोटिस जारी किए हैं। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में समात करेगा। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्दे जुर्म की कार्रवाई का इम्कान। चीन के सूबे गानसू में जलजिला, हलाक अफराद की तादाद 111 हो गई, 200 अफराद जख्मी। चीनी हुकाम के मुताबिक जलजिला पीर की शाम आया था, जिसकी शिदत 6.2 रिकॉर्ड की गई। इसराइल की रात गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, रफा में घरों पर हमले से फलस्तीनी सहाफी इस्माइल अबू उमर समेत 25 फलस्तीनी शहीद। गजा में जंग बंदी के करारदाद पर अक्वामे मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में वोटिंग 1 दिन के लिए मौखर। वोटिंग आज रात होगी। अमरीका ने बहरा अहमर में यमनी हूसियों के हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इतिहाद का ऐलान कर दिया। अमरीका, बरतानिया और कैनेडा के अलावा बहरीन भी शामिल। और मीडिया और आज़ादी इजहार को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार का नया इकदाम। इमरजेंसी सूरत हाल में टेलीकॉम सर्विसेज का मुकम्मल कंट्रोल संभालने और TV नशियात को फौरी रोकने का इख्तियार हासिल करने के लिए भारतीय पार्लियामेंट में टेलीकॉम बिल पेश कर दिया। व्हाट्सएप, टेलीग्राम समेत दीगर मोबाइल ऐप्स को कंट्रोल किया जा सकेगा।